का सबसे तेज़ रफ्तार से बढ़ने वाला मुल्क है जिसकी वजह है यहाँ पर हर रोज नए नए कारोबार का सामने आना अब ज़ाहिर है जब हर रोज नए नए बिजनेसेस कारोबार सामने आ रहे हैं तो उनको चलाने के लिए अच्छे मैनेजर्स की भी ज़रूरत होगी अब ये अच्छे मैनेजर्स कहाँ से आएंगे और कैसे बनेंगे इसके लिए आपको ज़रूरत है बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन बिज़नेस स्टडीज़ या बिज़नेस मैनेजमेंट में तालीम हासिल करने की आदाब दोस्तों मैं हूं सुमर शकील खैर मकदम में आपका हमारे प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में दोस्तों आज हम आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड के बारे में जानकारी देंगे आपको बताएंगे कि इस फील्ड में कौन कौन से कोर्सेज मौजूद हैं किस तरह की तालीम दी जाती है नौकरियों के क्या ऑप्शंस हैं अगर आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करते हैं तो क्या कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए सारी जानकारी आपको देंगे लेकिन आगे बढ़ने से आइए सबसे पहले इस पैकेज के जरिए देख लेते हैं कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड आखिर होती क्या है मुख्तार कारोबारी सरगर्मियों ऐसी मुताल है जिसमे नौजवानों को इस बात से वाकिफ़ कराया जाता है कि की कारोबार की मुख्तलिफ शो और बाजार में हर एक मॉडल कैसे काम करता है इस फील्ड में प्लानिंग ऐसी लेकर कारोबार चलाने तक मुख्तलिफ बुनियादी जानकारी सिखाई जाती है और बाद में उम्मीदवारों की कारोबारी समझ को बढ़ाने के लिए इसे बुनियादी सतह को वसी शक्ल दी जाती है बिजनेस में कामयाबी हासिल करना इस बात पर मुंहसर करता है कि बिजनेस मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है कारोबार को आगे बढ़ाने में बेहतर मैनेजमेंट का होना बेहद ही जरूरी होता है बिजनेस मैनेजमेंट का मतलब होता है एंटरप्राइज या बिजनेस को चलाने के लिए जरूरी मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में पूरी जानकारी और नजरिया जैसे प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग एग्जीक्यूशन डायरेक्शन से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक सारे कामों को अंजाम देना और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के बीच कोऑर्डिनेशन भी कायम करना बिजनेस मैनेजमेंट में बिजनेस ऑपरेशंस और मुंसलिक शोबों की निगरानी के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है इससे बिजनेस में होने वाले फायदे और कारोबारी तरक्की पर असर पड़ता है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर टॉप मैनेजमेंट और लोअर लेवल के एम्प्लॉय के बीच एक लिंक का काम करते हैं वो इस बात की निगरानी करते हैं कि कोई भी बिजनेस या कंपनी मुक्रा वक्त में अपने मकसद को हासिल करने में अहल है या नहीं मौजूदा वक्त में बिजनेस मैनेजमेंट इतना वसी सब्जेक्ट हो गया है कि इसमें हम किसी भी फील्ड को शामिल कर सकते हैं अब मैनेजमेंट सिर्फ मार्केटिंग फाइनेंस इंसानी वसाइल ऑपरेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एडवर्टाइजिंग जैसी रिवायती फील्ड तक ही महदूद नहीं है पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि मैनेजमेंट के, के फील्ड में एक से बढ़कर एक नए शोबे उभर कर सामने आए हैं इसमें डेयरी मैनेजमेंट हॉस्पिटल मैनेजमेंट एविएशन मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट एग्री बिजनेस मैनेजमेंट शामिल है साथ ही लगातार मैनेजमेंट का एक नया शोभा इसमें जुड़ रहा है आज कई कॉलेजेस इंडस्ट्री की मांग के मुताबिक मैनेजमेंट में कई नए कोर्सेज करा रहे हैं मैनेजमेंट की फील्ड में जहां कई नए बदलाव सामने आ रहे हैं वहीं इन बदलाव ने नौजवानों के लिए करियर के इम्कान को भी दोगुना कर दिया है दोस्तों उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पर थोड़ी बहुत जानकारी मिल गई होगी इस फील्ड पर ज्यादा जानकारी हासिल करने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ दोस्तों आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड पर इसी फील्ड पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में सीनियर फैकल्टी प्रोफेसर अनिल कुमार खैर मकदम सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में सर सबसे पहले तो एक आम जबान में बिल्कुल सरल भाषा में आपसे अगर जानना चाहें जो हमारे नौजवान इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या है ये फील्ड क्या है तो किस तरह से एज एन एक्सपर्ट आप बताएंगे ये बिजनेस से व्यापार से संबंधित कोर्स होता है जिसके अंदर कि व्यापार को सुगमता से करने के लिए किन किन विधियों का किन किन मेथड्स का किन किन प्रोसेसेस का इसमें ज्ञान होना चाहिए वो सब ज्ञान इन पाठ्यक्रम में दिया जाता है अब जैसे एक बिजनेस को सुगमता से चलाने के लिए प्रोडक्ट्स को बनाना भी है अब जो प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं वो कस्टमर को ध्यान में रख के बननी चाहिए ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और कस्टमर्स की क्या प्रेफरेंस है उसको आप ध्यान में नहीं रख रहे हैं दूसरा कि उसको प्रोडक्ट बन गई उसको कैसे मार्केट करना है मार्केट किस बाजार में करना है क्या वो सिर्फ उसी शहर में करना है जहां पर प्रोडक्ट बनी है या पूरे हिंदुस्तान में करना है या हिंदुस्तान के बाहर भी करना है उसके क्या क्या विधियां हैं जिसको हम बोलें कि क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें किस तरह की पॉलिसीज बनानी है किस तरह से व्यापार करना है और हर एक व्यापार के लिए फंड्स की धन की जरूरत होती है वो धन कहाँ से मुहैया होना है तो ये सब ज्ञान बिजनेस स्टडीज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोर्सेज में दिया जाता है न के केवल ज्ञान दिया जाता है हम जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल नॉलेज इसके अंदर दी जाती है इसमें काफ़ी जो केसेस हैं उनको भी पढ़ाया जाता है कि ये बिजनेस केस ऐसा था और उन्होंने इस तरह से मार्केटिंग किया इस तरह से उन्होंने फंड्स को जुटाया उसमें क्या खामियां रही किस तरह से वो अच्छा कर सकते थे तो इन सब का ज्ञान बिजनेस स्टडीज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इससे रिलेटेड जितने भी कोर्सेज हैं सारे हिंदुस्तान में चलते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में भी चलते हैं उसका इन कोर्सेज के अंदर ज्ञान दिया जाता है जी आ, सर किस किस तरह के कोर्सेज कराए जाते हैं मौजूद हैं हिंदुस्तान में अगर हम बात करें तो अगर हम हिंदुस्तान में बात करें तो जो कॉमर्स या जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्स ग्रेजुएशन लेवल पे स्नातक स्तर पर कर चुके हैं उनके लिए काफी दुनिया भर के विकल्प हैं अगर मैं कुछ विकल्पों की बात करूं तो चार्टेड अकाउंटेंसी बहुत मशहूर कोर्स है आप चार्ट अकाउंटेंसी कर सकते हैं उसके लिए आपको फाउंडेशन कोर्स एक पास करना होता है उसके चार पेपर भी होते हैं वो फाउंडेशन कोर्स आप ग्रेजुएशन करने के साथ साथ भी कर सकते हैं फाउंडेशन कोर्स करने के बाद एक जो फर्स्ट लेवल है जिसको हम इंटरमीडिएट आईपीसीसी कहते हैं उनके दो ग्रुप्स हैं उनके पेपर्स आपको पास करने होते हैं वो करने के बाद जो इसकी सेकंड स्टेज है उसके अंदर आपको किसी चार्टेड अकाउंटेंट के साथ मिलकर एक आर्टिकल शिप करनी होती जिसमें है जिसमें कि पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज कि कैसे अकाउंट्स बनाने हैं कैसे उनको ऑडिट करना है कैसे इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करनी है कैसे इनकम टैक्स के केसेस को सॉल्व करना है वो सब दिया जाता है ये तो एक कोर्स हुआ चार्टेड अकाउंटेंसी इसको सी ए कहते हैं दूसरा चार्टेड सेक्रेटरी हर कंपनी में आज हिंदुस्तान में तकरीबन अगर मैं कहूं पचास हजार से ज्यादा कंपनीज़ है और वहां पर चार्टेड सेक्रेटरी की जरूरत है वो कि क्या क्या कंप्लाइंसिस हर कंपनी को करनी होती है तो चार्टेड सेक्रेटरी का रोल इसमें बहुत अहम हो जाता है कि उन कंप्लाइंसिस को कैसे पूरा करें प्रोसीजर्स को पूरा करें और तकरीबन हर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी रहता है या कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करके वो भी उनको ये सुविधा ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं तीसरा एम बी एक बहुत पॉपुलर कोर्स है सब जानते हैं उसमें एडमिशन थोड़ा मुश्किल है और उसमें हर तरह की संस्थाएं हैं जो देश की टॉप वाली संस्थाएं आई आई एम या उससे कनेक्टेड इस तरह की जो संस्थाएं हैं उसके अंदर एडमिशन के लिए कैट एग्जाम होता है कॉमन एडमिशन टेस्ट पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग सेंटर्स में होता है ये तो वहां पर कोई रिजल्ट जो होता है वो परसेंटाइल बेसिस पर होता है और जो टॉप के बच्चे होते हैं उनको आई वाले इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं इंटरव्यू होने के बाद वहां पर एडमिशन हो जाता है लेकिन कहावत है और ये सच भी है एम बी में और अच्छे संस्थान में एम के अंदर एडमिशन मुश्किल है लेकिन एम करने के बाद पूरे बिजनेस व्यापार जगत के सब रास्ते खुल जाते हैं उद्योग जगत के आज हमारी इंडस्ट्रीज में कंपनीज में टॉप पोजीशंस पर सब एमबीए वाले या सीए वाले उनको संचालन करते हैं तो एमबीए के कोर्सेज में थेरी के ऊपर ज्यादा ध्यान ना देकर एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर और केसेस के माध्यम से उनको पढ़ाया जाता है ये दो साल का कोर्स होता है और उसके अलावा जो ग्रेजुएशन है अगर उनको व्यापार जगत में नहीं रहना है बी कॉम करने के बाद या बीबीए करने के बाद और भी तमाम तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम है किसी को बैंक में ऑफिसर बनना है उसके लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर के सरकारी और गैर सरकारी बैंक उसके लिए एग्जाम करती है समय समय पर और वो पास होने के बाद वो शुरू होते हैं और बैंक में बहुत अच्छा कैरियर है टोल्डी मीट मटन मसाले पार, पार, जो आपके हाथ का मटन खाए झुंझा की जाए बार आपका Uh, जैसा कि आपने बताया कि ज्यादा अब जो यूथ है उनका रुझान है अपना एक स्टार्टअप लेकर आने के वो नौकरी ना करने के बजाय नौकरी देना चाहते हो हमारे जो मुल्क है वो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है ऐसे में जो फील्ड है इसकी कितनी ज्यादा अहमियत बढ़ जाती है देखिए बिजनेस को uh, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात बिजनेस को चलाने के लिए जो भी समझो आयाम है वो आयाम है कि सबसे पहले कि बिजनेस को हम कैसे शुरू करें hmm. बिज़नेस को शुरू करने के लिए हमने काफ़ी बार देखा कि जो स्टार्टअप किया लेकिन वो बिज़नेस को स्केलअप नहीं कर पा रहे हैं उसकी मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह के कोर्सेज में मार्केटिंग करने का जो प्रैक्टिकल ज्ञान है अप्लाइड नॉलेज उनको दी जाती है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स को किस किस मार्केटिंग स्किल के तहत किस किस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं और किन किन बाज़ारों में बेच सकते हैं अब किसी भी स्टार्टअप के लिए फंड्स की भी जरूरत होती है अब वो फंड कहाँ से आए उसके सोर्सेज क्या हों और जहाँ से आप फंड रेज करते हैं उसके भी अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं कि उसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स है उन सब का जो ज्ञान है वो इस तरह के कोर्सेज में होता है और काफ़ी हमारे पास विद्यार्थी आते हैं कि हम ये कोर्स करना चाहते हैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का क्योंकि हमें स्टार्टअप करना है और काफी बच्चे ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हम तो ऑलरेडी हमारा फैमिली बिजनेस चल रहा है लेकिन हम उसको एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं तो इन कोर्स के माध्यम से जो हमारा ज्ञान वर्धन होगा और जो हमें स्किल सेट मिलेगा तो हाँ वो कहते हैं कि उनको उम्मीद भी रहती है और काफी हद तक ठीक भी है कि वो अपने बिजनेस को फैमिली बिजनेस को भी अच्छे ढंग से मॉडर्न लाइंस पर चला सकते हैं मैं एक बात यहां पर ऐड करूंगा कि आज का जो बिजनेस है वो सरल बिजनेस नहीं रहा बहुत कॉम्प्लेक्स बिजनेस है उसमें काफी तरह के आयाम जुड़े हुए हैं और साथ साथ आजकल बिजनेस कोई छोटे स्केल पे नहीं चलता है। जब हम बिजनेस की बात करते हैं वो बड़े स्केल पे चलता है और इतना कंपटीशन है बाजार में उस कंपटीशन को हमें कैसे मीट करना है और साथ में जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमें ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ जुड़ना है तो उसमें जुड़ने के लिए हमें क्वालिटी भी इन्हांसमेंट करनी है उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग भी होनी चाहिए जो बिजनेस चलाते हैं और उसके साथ साथ धन की भी जरूरत होती है वो धन कैसे और कहाँ से मुहैया हो सकता है इन सब की जानकारी बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज के माध्यम से होती है जी सर जैसा कि आपने अभी बोला अभी बताया जिक्र किया कि उनको सही जानकारी देना ताकि वो इस फील्ड में बेहतर कर सकें और हमारे जो प्रधानमंत्री वज़ी अज़म हैं उनकी भी ये पहल है उन्होंने स्टार्टअप इंडिया के लिए बहुत स्कीम्स भी आई हैं चलाई जा रही हैं आपको लगता है इसमें और बेहतरी के लिए हमें कुछ और अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कुछ और इकदाम उठाए जाने चाहिए देखिए मेरे को लगता है कि जो सरकार की तमाम तरह की स्कीम्स हैं योजनाएं हैं वो विश्वविद्यालय और कॉलेज के स्तर पर चल रही हैं काफ़ी कॉलेजों में काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में इनक्यूबेशन सेंटर बने हुए हैं और काफ़ी जगह एंटरप्रेन्योर सेल भी बने हुए हैं जो बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं उन सेल में ज्वाइन भी करते हैं और इनक्यूबेशन सेंटर के माध्यम से वो अपना जो आइडिया है एक बिजनेस को चलाने के लिए आइडिया को जनरेशन करना जरूरत होती है जब एक बार आइडिया जनरेट हो गया और वो आइडिया लगता है कि कॉमर्शियली फिजिबल है तो उस केस में उसको इनक्यूबेट करते हैं कि वो आइडिया पनपे और वो एक बिजनेस का रूप धारण करे हमारे विश्वविद्यालय में भी इस तरह की एक कंपनी भी बनी हुई है उद्मोद्धी फाउंडेशन के नाम से जिसमें कि हम इनक्यूबेशन के लिए उनको बढ़ावा भी देते हैं और साथ में जो धन की जरूरत होती है जिसको कहते हैं सीड मनी बिजनेस को चलाने के लिए वो भी मुहैया कराते हैं काफ़ी कॉलेजों में इस तरह की कंपनी चली हुई हैं स्टार्टअप के सेंटर्स खुले हुए हैं जहाँ सरकारी तौर पर भी उनको धनराशि भी मिलती है वो धनराशि वो इन इनक्यूबेशन जो आइडियाज हैं उनके ऊपर लगती है तो मेरे को लगता है कि आज के तारीख में आज हमारा देश सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है पूरी दुनिया में एक ये मिसाल है पूरी दुनिया में तो उस अपॉर्चुनिटी का फायदा हमें उठाना चाहिए और वो मेरे को लगता है कि जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज हैं उससे रिलेटेड कोर्सेज हैं उनके माध्यम से बखूबी होता है तो इनका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्सेज का एक इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था की विकास के लिए एक अपना बहुत अहम रोल होता है तो मेरे को लगता है कि सही दिशा में हमारा देश भी जा रहा है और हमारे जो इस तरह के कोर्सेज हैं वो खाली थेरी वाले कोर्सेज नहीं है उसमें हम प्रैक्टिकल ज्ञान भी देते हैं अगर मैं बात करूं अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी इस देश में ट्वेंटी ट्वेंटी की इम्प्लीमेंट है और उस पॉलिसी में साफ तौर पर दिया हुआ है लिखा हुआ है और वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है कि हमें बच्चों को एक रोड लर्निंग नहीं देनी है क्लासरूम में कि एक प्रोफेसर आए और पढ़ा के चला जाए ऐसा नहीं है उनको प्रैक्टिकल स्किल भी एनहांस करनी है तो हर कोर्सेज में स्किल एनहांसमेंट के भी कोर्सेज हैं जो कि इन कोर्सेज़ का अहम हिस्सा भी होते हैं और सर हम बिजनेस मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज़ की बात करते हैं तो हमारे जहन में आईआईएम सबसे पहले आ जाता है एक इदारे का नाम एक इंस्टीट्यूट का नाम कितना ज़्यादा अहम हो जाता है अगर कोई अपना बिजनेस लेकर आना चाहता है या इसी फील्ड में जॉब भी ढूंढना चाहता है आपको क्या लगता है एक इंस्टीट्यूट का नाम कितना अहम हो जाता है आई एम्स इसमें कोई संशय नहीं है देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में आते हैं और आज तो 12 से ज़्यादा संस्थान आई के खुले हुए हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो आई के बाद की श्रेणी में जो आ, संस्थान है वहाँ करने से आपका करियर नहीं बनेगा मैंने काफ़ी ऐसे विद्यार्थी देखे कि जिनका एडमिशन आई में नहीं हुआ थोड़े से वो निराश हुए कुछ समय के बाद फिर जहाँ उनको एडमिशन मिला जो ठीक ठाक है इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है पढ़ाई भी अच्छी होती है जहां प्रैक्टिकल ज्ञान भी दिया जाता है वहां से पास करने के बाद वो अपना अच्छा कैरियर बना रहे हैं क्योंकि एक बार आप ज्वाइन करने के बाद आप जिस जगह ज्वाइन किया है जो आपने बिजनेस चलाया है या अगर आप नौकरी कर रहे हैं आप किस तरह का काम कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो प्रोफाइल है पास करने के बाद आगे आने वाले पंद्रह सालों में क्या बनने वाला है तो उसके लिए जिस संस्थान में आपने पास किया है आईएम से किया है कहीं और से किया मेरे को लगता है कि आगे जाके वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहता है सर अक्सर ट्वेल्थ पास करने के बाद स्टूडेंट्स के लिए करियर का चुनाव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जो यंगस्टर्स हैं वो थोड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं जो बच्चे इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उन्हें किस तरह की तैयारी करनी चाहिए क्या क्या चीज़ें उन्हें जहन में अपने रखनी चाहिए ताकि अच्छे इंस्टीट्यूट्स में वो लोग एडमिशन्स ले सकें और बेहतर कर सकें उसके लिए मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि तकरीबन काफ़ी बच्चे मैंने देखा विद्यार्थी बारहवीं के बाद एक जिसको बोलते हैं भीड़ चाल कि मेरा दोस्त वो कर रहा है तो मुझे भी वो करना भी है, है। उससे बचना भी भी चाहिए दूसरी बात माता पिता की भी अपेक्षाएँ होती हैं काफी माँ बाप सोचते हैं मेरा बेटा तो यूपीएससी करके आई ऑफिसर बने बच्चे का रुझान कहीं और है तो मैं सबसे पहले ऐसे माँ बापों को भी ये बोलूंगा कि आप देखिए कि बच्चे की क्षमता कहाँ पर है और उसका रुझान कहाँ पर है उसकी रुचि कहाँ पर है बच्चे की रुचि रुझान के हिसाब से बच्चे को पूछिए फिर उसके हिसाब से उसको आप बोलिए कि आप ये वाला कोर्स कीजिए और काफ़ी तरह के करियर की गाइडेंस भी होती है तरह तरह के सेशंस भी होते हैं आपके दूरदर्शन के माध्यम से भी होते हैं तो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर रोल भी है अब जिसको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जाना है या जिनको एम की तरफ जाना है तो एम में जाने के लिए इसका जो एडमिशन है वो स्कैट एग्जाम के थ्रू होता है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट तो वो कोई टेस्ट ऐसा नहीं कि उसके लिए एक करिकुलम पाठ्यक्रम निर्धारित किया हुआ है और आपको उसको रटना है और वो जाके आपको लिख देना है इसके अंदर आपकी इंग्लिश का नॉलेज कैसी है जिसको हम बोलते हैं कंप्रेहेंशन कैसा है इसका मतलब आपने स्कूल में क्या सीखा और कॉलेज में आपने क्या सीखा वो महत्वपूर्ण है कोचिंग इसमें खाली कुछ नहीं करने वाला है एक मैथ्स है गणित है बच्चे को बारहवीं तक की जो बेसिक गणित की नॉलेज है वो होनी चाहिए अगर उसको वो है तो उसके माध्यम से उसको कैट एग्जाम को करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी तीसरा जब हम हमारे पास एक डेटा दिया जाता है उसका इंटरप्रिटेशन वो बहुत जरूरी है क्योंकि बिजनेस करने के लिए जब आप मैनेजर बनेंगे चाहे आप कहीं पर नौकरी करते हैं या अपना अगर आप काम करते हैं तो आपके पास आज तो डाटा का युग है डेटा के युग में उन डेटा को आपको इंटरप्रेट करने आ, करना आना चाहिए और वो कौन सा डाटा आपके लिए कौन से आंकड़े आपके बिजनेस के लिए क्षमता है तो मेरे को लगता है कि आप आसानी से इस तरह के एडमिशन टेस्ट पास कर सकते हैं और उसके बाद इस पर्टिकुलर बेस के साथ उस नॉलेज को और आगे आपको प्रैक्टिकल ज्ञान से उसको बढ़ावा देते हैं जिनको चार्टेड अकाउंटेंसी की तरफ जाना है तो उनका अकाउंट्स बहुत स्ट्रांग होना चाहिए क्योंकि बेसिकली जिन बच्चों को चार्टेड अकाउंटेंसी करनी है सी बनना है उसके लिए जरूरी है कि उनको अकाउंट्स का ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए तो हम जनरली इंसिस्ट करते हैं कि उनका मैथ्स या जो नोमेरिकल स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए क्योंकि चार्टेड अकाउंटेंट बेसिकली जितने भी अकाउंट्स हैं उससे डील करते हैं उसका ऑडिट करते हैं इनकम टैक्स की फाइलिंग करते हैं तो आपको नंबर से अगर आपको परहेज है डर लगता है तो आपको इस तरह का कोर्स नहीं करना चाहिए लेकिन आपको अगर सी ए बनना है तो उसके लिए आपको इस क्षमता को विकसित करना पड़ेगा अब किसी को अगर यूपीएससी एग्ज़ाम में जाना तो यूपीएससी एग्ज़ाम में अपेक्षाएं अलग होती है उसमें सामान्य ज्ञान के पेपर हैं और आपका जो सब्जेक्ट है उसका पेपर है और उसमें बहुत थोरो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और वो कई बच्चे मैंने देखा कि दो तीन साल तक बीकॉम या बीए या ग्रेजुएशन करने के बाद उसकी तैयारी करते हैं और उसके बाद क्योंकि ये बहुत वास्तर का एग्ज़ाम है उसमें दुनिया भर की जितनी भी आपने पढ़ा है बारहवीं क्लास तक वो तो आता ही आता है और जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है वो भी उसके अंदर कवर होता है तो वो थोड़ी पढ़ाई कठिन है जिन बच्चों को अगर परिश्रम से डर लगता है तो वो मैं कहूँगा कि वो इस तरफ ना सोचें या अगर उनमें एक तरह से विल पावर है कि हाँ मुझे यूपीएससी क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बनना है या इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है तो उसको उस मेहनत के हिसाब से वो अपने आप को ग्रेजुएशन में ही तैयार रखे जिससे कि उसके बाद वो उसकी भरपूर तैयारी करके इस तरह के एग्ज़ाम को परीक्षा को वो पास कर सके अब सर जैसे आपने बताया कि यहाँ पे तीन स्पेशलाइज्ड कोर्सेज कराए जाते हैं तो बिजनेस मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो इसमें और भी कुछ सब डिविजन्स और अभी मंजर आम पर मतलब हमारे सामने आए हैं कुछ और हैं इसमें सब डिविजन्स हाँ इन कोर्सेज के अंदर जो पहला साल होता है सेमेस्टर हर सेमेस्टर में पढ़ाते हैं उसमें एक तो सब तरह की की को, के कोर्सेज हैं कि एक सक्सेसफुल मैनेजर को न केवल जो वो स्पेशलाइजेशन कर रहा है उसकी नॉलेज के साथ साथ उसको मार्केटिंग भी आनी चाहिए उसको फाइनेंस भी आना चाहिए उसको बिजनेस एनालिटिक्स भी आना चाहिए तो तकरीबन दो सेमेस्टर में ये जेनरिक कोर्स होता है कि हर तरह के जो कोर्सेज हैं उसके ऊपर काफ़ी पाठ्यक्रम बने हुए फिर अगले साल में जो कोर्सेज हैं वो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज हैं क्योंकि आज हमारे उद्योग जगत में एक खाली स्पेशलाइजेशन का टाइम नहीं है तकरीबन जितने भी हम इंडस्ट्रीज देखते हैं वहाँ पर एज ए टीम काम होता है और एज ए टीम जब हम काम करते हैं तो उसमें हम खाली एक स्पेशलाइजेशन की बात नहीं करते हैं। उसमें हर चीज़ का हर एक फील्ड का चाहे वो मार्केटिंग हो प्रोडक्शन हो चाहे वो फाइनेंस uh, हो या एच हो उसका ज्ञान होना जरूरी है तो उसको ध्यान में रखते हुए इन कोर्सेज को उसी हिसाब से फ्रेम किया हुआ है जी सर हालांकि आपने पहले भी जिक्र किया था आ, इनोवेशन और बिजनेस स्टडीज के रिलेशन को आप किस तरह से देखते हैं देखिए बिजनेस का मतलब ही इनोवेशन है जो बिज़नेस ट्रेडिशनल ढंग से चला रहे हैं अगर आप उस बिज़नेस में घुसते हैं तो आपको कोई खास कुछ नहीं कर पाएंगे लेकिन जिस हिसाब से आज दुनिया में तरक्की हो रही है नए नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं नई नई सर्विसेज आ रही हैं वो सब इनोवेशन का कमाल है और जब तक आप अपने प्रोडक्ट्स में सर्विसेज में कुछ नयापन नहीं लाएंगे तो आप कस्टमर को लुभा नहीं सकते हैं तो इसलिए इनोवेशन के बिना मेरे को नहीं लगता कि आज के समय में कोई बिजनेस कामयाब हो सकता है क्योंकि बिजनेस का मतलब ही इनोवेशन है जब तक आप नए नए प्रोडक्ट्स नए नए फैशन नई नई सर्विस स्पेशलाइज सर्विसेज को लेकर नहीं आते हैं तो आप अपने बिजनेस को ढंग से नहीं चला पाएंगे बीकॉम करने के बाद तकरीबन हर तरह की नौकरियां उपलब्ध होती हैं मैं कहूँगा कि दो लाख से लेकर पंद्रह बीस लाख तक एक साल की इस तरह की नौकरियां मिलती हैं जो छोटी दो लाख की नौकरी है उसमें बेसिकली फील्ड वर्क ज़्यादा होता है कि आपको कस्टमर के पास जाना है सर्वे करना है या आपको कॉल्स करनी है या आपको कुछ एनालिसिस करनी है लेकिन जब अगर आपको एक अच्छी जगह और अच्छी पोजिशन पर नौकरी मिलती है तो वहाँ आपका रोल थोड़ा और बढ़ जाता है नहीं। उस रोल के अंदर आपको बिजनेस सिचुएशन को कैसे एनालाइज करना है क्लाइंट से मिलना है क्लाइंट से कैसे डील करना है तो वो सब बातें उसके अंदर होती है अब सर ग्रेजुएशन के बाद जो लोग एम करते हैं या जो लोग ग्रेजुएशन के बाद कुछ एक्सपीरियंस लेते हैं नौकरी करते हैं उसके बाद फिर एम करते हैं तो उन लोगों का जब रिक्रूटमेंट होता है कंपनीज आते हैं तो क्या उनके पैकेज में या उनकी प्रोफाइल्स में कोई डिफरेंस होता बिल्क, है बिल्कुल बिल्कुल होता है कि जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है एम बी ज्वाइन करने से पहले वो काउंट होता है हुँ. और उसका बहुत एक महत्वपूर्ण आधार होता है कि आपको किस लेवल पर किस पैकेज पर आपको जॉब देने वाले है. तो लेकिन काफ़ी फ्रेशर्स हैं वो ज्वाइन करते हैं एम करते हैं उनको नौकरी मिलती है ये नहीं कि नौकरी नहीं मिलती लेकिन जो एक्सपीरियंस करने के बाद एम करते हैं तो उनको नौकरी का अच्छा स्तर अच्छा पैकेज भी मिल जाता है तो मैं ये कहूँगा अगर आपको बी के बाद ठीक ठाक नौकरी मिल रही है जिसमें कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप कम से कम दो साल वहाँ नौकरी कीजिए उसके बाद आप एम कीजिए तो आपके कैरियर को एक अच्छी उछाल आएगी लेकिन अगर सोचते हैं कई लोगों का रुझान होता है नहीं पहले मेरे को पढ़ाई पूरी करनी है उसके बाद ही जॉब करना है, तो ऐसा भी कर सकते हैं इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अगर आप अल्टीमेटली देखे तो जितने साल आपने एक्सपीरियंस लिया फिर एम किया उसके बाद आप कहाँ हैं और आपने एम किया फिर दो साल और दो साल तो तकरीबन वही मेकअप हो जाता है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसके लिए मेरे को लगता है लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि अगर आपने एक्सपीरियंस के साथ किया है एमबीए तो आपको जो नए नए बिजनेस के कॉन्सेप्ट हैं उसको समझने में भी आसानी होगी और आपने जो सीखा है उसको आप रिलेट कर पाएंगे जो आपके एम क्लासेस में पढ़ाया जाता है सर काफ़ी कुछ आपने बताया इस फील्ड के बारे में इनोवेशन स्टार्टअप्स मैनेजमेंट कहाँ कहाँ कोर्सेज कराए जा रहे हैं हमारे मुल्क में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इस फील्ड की बढ़ती अहमियत इन सब के बारे में आपने बताया चलते चलते आपसे वो नौजवान जो इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए एक मैसेज लेना चाहेंगे मेरा ये मैसेज है अगर आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज में आना है तो पूरे मन से आइए और इस मन से आइए कि बिज़नेस को कैसे चलाना है सुगमता से कैसे चलाना है बिज़नेस का कैसे विस्तार करना है ये आपको 24 घंटे सोचना है क्योंकि जब तक आप सोचेंगे नहीं आप कर नहीं पाएंगे और सोचने के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जितनी भी हो सकती है वो आपको गेन करने की कोशिश करनी चाहिए तो मेरे को उम्मीद है अगर आपके अंदर ये सोच है और कुछ करने का जज्बा है तो आप एक कामयाब मैनेजर के तौर पर आने वाले समय में आप जरूर उसके अंदर आगे आएंगे ठीक बहुत बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त निकाला और हमें ये तमाम जानकारी दी शुक्रिया तो दोस्तों उम्मीद है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जहां हम बात करेंगे नौकरियों और एडमिशन्स के बारे में हम आपको बताएंगे कि इस वक्त आप कहां कहां किन किन नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन्स ले सकते हैं चलिए जल्दी से देख लेते हैं हमारा आज का एपिसोड आपको जरूर पसंद आया होगा अगले हफ्ते एक नए सब्जेक्ट की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत पेमेंट फेल